नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की तरफ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की प्रधानमंत्री के साथ विपक्षी बैठक आज। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुइजू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 8 नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक जारी। बैठक में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों पर होगी समीक्षा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी के छापे। पंजाब के जालंधर में पड़ रहे हैं ईडी के छापे। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत। 1-1 लाख के मुचलके पर दी गई है जमानत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की मना रहा है पहली बरसी। नोवा फेस्टिवल स्थल पर जुटे इजरायली। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुइजू का औपचारिक स्वागत किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां राष्ट्रपति मुइजू का औपचारिक स्वागत किया, उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रपति मुइजू ने बापू की समाधि पर। साथ ही वहां पर जो विजिटर्स बुक है अपने विचार उसमें अंकित किए और सोवेनियर के तौर पर उन्हें 2 किताबें भी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई दी गई। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है मालदीव और भारत के लिहाज से, जहां द्विपक्षीय रिश्तों में और ऊष्मता देखी जाएगी। तो मालदीव के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत दौरे पर आए हैं राष्ट्रपति मुइजू। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर जिक्र किया जाता है, मेडिकल टूरिज्म है, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और मालदीव के रिश्ते नई ऊँचाइयों पर, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। और जब हम ऐतिहासिक तौर पर भारत और मालदीव के रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों रिश्तों के देशों के जो रिश्ते हैं वो लगातार प्रगाढ़ होते हैं। और नेबरहुड पॉलिसी के तहत भी मालदीव अहम साझेदार है भारत का। तो ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां आज कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद की जा रही है। स्ट्रेटिजिकली भी बहुत अहम रिश्ता है मालदीव और भारत का। तो सामरिक लिहाज से भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव हिंद महासागर में अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है, उस लिहाज से बहुत अहम। तो समुद्री यातायात की निगरानी करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के चरणबद्ध तरीके में मालदीव अहम। सांस्कृतिक संबंधों की अगर बात करें तो 12वीं शताब्दी के पूर्व से बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो वो मालदीव का प्रमुख धर्म माना जाता था। तो उस लिहाज से भी सांस्कृतिक डोर भारत और मालदीव की जुड़ी हुई। क्षेत्रीय स्थायित्व की अगर हम बात करते हैं तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप मालदीव अहम साझेदार माना जाता है। तो मालदीव के लिए भारत का महत्व बहुत अहम अहम क्षेत्रों में है। आवश्यक आपूर्ति की अगर बात करें तो भारत के चावल, मसाले, फल, सब्जियां, दवाएं, रोज़मर्रा की जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, भारत एक अहम महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है मालदीव के लिए। तो उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग ले रही हैं। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्य का सहयोग भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। केंद्र सरकार नक्सल से प्रभावित सभी राज्यों को समस्या से निपटने में हर संभव सहायता दे रही है। अमित शाह ने नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक 6 अक्टूबर 2023 को की थी। उस बैठक में गृहमंत्री ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए थे। मोदी सरकार की रणनीति से विश्व वर्ष 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72%, मृत्यु दर में 86% कमी आए और इस वर्ष अब तक 202 नक्सली मारे गए और 2024 के शुरुआती 9 महीनों में 723 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14,400 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ और करीब 6,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। तो नक्सलवाद पर आज जो अहम बैठक चल रही है, नक्सलियों की टूटती हुई कमर के आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है जहां 2010 में जो नक्सली हिंसा है उसकी तुलना अगर हम 2024 से करें तो मुख्य तौर पर गिरावट आई है और 2024 के शुरुआती 9 महीनों में आप देखिए कि 700 से ज़्यादा जो माओवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और कोशिश सरकार की रहती कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो नक्सल प्रभावित 8 राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक हो रही है। ये बैठक गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की जा रही है। नक्सल प्रभावित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अमित शाह बातचीत कर रहे हैं और केंद्रीय सशस्त्र बल के साथ साथ राज्य के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। वजह यह है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया गया है और इसकी जो पिछली समीक्षा बैठक थी वो 6 अक्टूबर 2023 को की गई थी। तो उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम और मृत्यु दर की जब हम बात करते हैं नक्सलवादी हिंसा में उसमें 86% की कमी आई है और माओवादियों के आत्मसमर्पण का आंकड़ा भी आप यहां देख सकते हैं कि कैसे उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की तमाम कोशिशें सरकार करती है। और नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी का अगर देखें तो 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सड़क निर्माण हुआ है, वहाँ पर 6,000 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं। तो कैसे नक्सलवाद से राज्यों को छुटकारा मिले और वो विकास के पथ पर सरपट दौड़ें इस स्थिति का आकलन भी आज इस समीक्षा बैठक में किया जाएगा और राज्य और केंद्र का सामंजस्य समन्वय कितना अहम हो जाता है नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में कार्रवाई करने के लिए, उस लिहाज से भी ये बैठक जो है वो बहुत अहम मानी जा रही है। और इस समीक्षा बैठक में कई अहम पॉइंटर्स निकल कर सामने आएंगे जिसमें किस तरह से उन इलाकों की पहचान की जाए, कैसे चरणबद्ध तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए तकनीक की मदद ली जाए, ये बेहद अहम हो जाएगा। शैलेंद्र मिश्रा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, नक्सलवाद की कमर टूटती हुई हम लगातार देख रहे हैं, ये आंकड़े भी बयां कर रहे हैं और आज समीक्षा बैठक में कई अहम केंद्र बिंदु हैं नक्सलवाद से जुड़े हुए जो चर्चा में आएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि एक टारगेट रखा गया 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का और जो हम आंकड़ा देखें बीते 10 वर्षों में उसमें उल्लेखनीय कमी आई है। नक्सल से घटनाओं से हुई मौतों में बहुत तेजी से कमी आई है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आत्मसमर्पण भी बड़ी संख्या में हुए हैं। जो केंद्र सरकार है वो एक तरह से देखें तो कई रणनीति पर एक साथ काम कर रही है, राज्यों के साथ समन्वय करके इन इलाकों में जो विकास की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं, सड़क का निर्माण हो या टावर लगाने हो, वो बहुत तेजी से उसमें काम में तेजी लाई गई है और राज्यों के साथ समन्वय करके एक सख्त रवैया नक्सल के हिंसा के खिलाफ अपनाया गया और उसके एक सकारात्मक नतीजे हम बीते एक दशकों में देख रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं, न केवल दिल्ली में बल्कि राज्यों के साथ समन्वय करके उन प्रभावित उन राज्यों में जहाँ पर नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां पर भी इसकी एक पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से नक्सलवाद को पूरी तरह से
भारत से खत्म कर दिया जाए, उस दिशा में हम उल्लेखनीय प्रगति देख रहे हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, इसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और 5 केंद्रीय जो मंत्रालय हैं, इसमें वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और साथ ही साथ आदिवासी कल्याण मंत्रालय, इन मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री इस बैठक में या फिर उनके प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कि इन मंत्रालयों से जुड़ी योजनाएं हैं जो उनको तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा सके। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के कुछ देर बाद, दोपहर बाद गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा, तो उसमें एक किस तरह से राज्यों के साथ समन्वय करके आगे बढ़ा जा रहा है उसकी भी एक रूपरेखा सामने मिलेगी। और वही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के काम को किस तरह से बढ़ावा देना है, तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, और ये भी माना जा रहा है जो तमाम नक्सल प्रभावित राज्य हैं, नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अंतिम चरण में सरकार की तरफ से मानी जा रही है, और बहुत से ऐसे माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में भी शामिल हुए हैं। ये देखिए, निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 80% से ज्यादा कमी नक्सल हिंसा मौतें हमें देखने को मिली है, और काफी संख्या में जो एक तरह से देखे हैं कि नक्सल आवाज से जुड़े जो लोग थे उन्होंने समर्पण भी किया है, आत्मसमर्पण किया है, यानी नक्सलवाद की हिंसा छोड़कर वो अब मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। तो इस जो बहुस्तरीय स्तर पर केंद्र सरकार राज्यों के समन्वय के साथ काम कर रही है उसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि विकास की योजनाएं तेजी से रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, सड़कों का तेजी से निर्माण हुआ है इन इलाकों में, तो जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो स्कूल और अस्पताल की सुविधा बेहतर करना हो या फिर कनेक्टिविटी बेहतर करना हो, सड़क निर्माण करना हो, मोबाइल टावर्स लगाने हो, उससे कम्युनिकेशन बेहतर हो और वहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराना हो, उस पर तो काम ही हो ही रहा है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नक्सल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, एक तरह से नक्सल हिंसा को सख्ती से खत्म करने की दिशा में काम किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि उसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और यही वजह है कि बहुत आश्वस्त है केंद्र सरकार और राज्य से जुड़ी एजेंसियां कि जो एक टारगेट रखा गया है नक्सल हिंसा को खत्म करने को लेकर, देश के जिन राज्यों में, जिन जिलों में नक्सल प्रभावित अभी माने जाते हैं, वहां पर उस तरफ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। इसीलिए ये समीक्षा बैठक हो रही है कि कितनी प्रगति हुई है और आगे क्या कुछ और किए जाने की जरूरत है। और क्योंकि कई ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, शैलेंद्र, तो आज का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो किस तरह से होगा कि जो तमाम योजनाएं आर्थिक प्रगति के लिए चलाई जा रही हैं इन तमाम राज्यों में, उन्हें गति किस तरह से मिलेगी नक्सलवाद के खात्मे के बाद? देखिए, एक चुनौती ये होती थी नक्सल प्रभावित इलाकों में कि वहाँ सड़कों का निर्माण जब होता था, अक्सर उन बुनियादी ढांचे को, सड़क को खराब कर दिया जाता था, उखाड़ दिया जाता था, मोबाइल टावर्स लगने नहीं दिए जाते थे, चुनौतीपूर्ण होता था वहां पर विकास कार्य को करना। लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखें कि तेजी से इस दिशा में काम हुआ है, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है बल्कि ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको कोई खराब न कर पाए, उनको कोई वो जो टावर लगाए गए हैं या फिर जो सड़कें बनाई गई हैं वो जानबूझकर कोई उसका एक तरह से देखे उस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को नुकसान न पहुंचा पाए, तो इस स्तर पर भी काम हुआ है, तो उसके एक सकारात्मक नतीजे निकले हैं कि लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लोगों को अवसर मिल रहा है उन इलाके नक्सल प्रभावित जिलों में जो आम लोग हैं उनको, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तो इन सब का एक सकारात्मक असर दिखा है कि हमने देखा है कि बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है कि जो भी मुख्य धारा में वापस लौटना चाहते हैं वो एक तरह से इस बात को में उनका एक प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो मुख्य धारा में वापस लौटे, और दूसरी तरफ जो नक्सल हिंसा से जुड़े लोग हैं, जो नक्सल हिंसा एक तरह से उनको सख्ती से निपटा जाए, उस दिशा में भी काम हो रहा है। बिल्कुल, अभी हाल ही में अभूजमाड़ में करीबन 31 नक्सली मारे गए, जिसकी वजह से जो सुरक्षा बल है उनके हौसले इस वक्त बुलंदियों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, शैलेंद्र। तो नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए जो समीक्षा बैठक है वो जारी है, जिसमें इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कर रहे हैं। वक्त छोर से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं,
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 साल पूरे कर लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आज ही के दिन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री वो बने थे और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल और उनकी उपलब्धियों पर। और इन्हीं उपलब्धियों की जब हम शुरुआत करते हैं तो स्वच्छ भारत का जो अभियान है उससे शुरुआत होती है, जहाँ 100% जो गाँव थे उन्हें खुले में शौच से मुक्त किया गया। यानी ये ओपन डेफिकेशन की अगर जब हम बात करते हैं तो 100% जो गांव थे उन्हें खुले में शौच की इस अभिशाप से मुक्ति मिली। 11.68 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी कि जब हम प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उपलब्धि का सिलसिला शुरू हुआ वो स्वच्छता अभियान से शुरू हुआ, जो कि एक जन आंदोलन बना। 100% गाँव जो थे वो खुले में शौच से उन्हें मुक्ति मिली। तो यानी स्वच्छ भारत कि जब हम बात करते हैं उसकी उपलब्धियां। वहीं सबका साथ सबका विकास, 36 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, यानी सबके साथ विकास का ये नारा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आप सोचिए कि 53 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले, उसमें महिलाओं के खाते ज़्यादा थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर लोगों को मिले हैं। नल से जल, हर घर जल कवरेज को अगर हम देखें तो वो 16% से बढ़कर 78% के दायरे में आई। और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। उज्ज्वला योजना, बहनों को धुएं से मुक्ति देने की ये योजना, जिसमें 105 से अधिक LPG कवरेज दिया गया महिलाओं को। और आधार के लिए 99% जो वयस्क आबादी है उसका पंजीकरण, और आधार के लिए ये तमाम उपलब्धियां कैसे पूरे आर्थिक विकास के साथ जुड़ती हैं। उसके बाद वोकल फॉर लोकल, 10 सालों में खादी और ग्रामोद्योग के जो उत्पाद है उसमें 400% की वृद्धि। यानी मल्टीलैटरल फोरम्स पर कैसे आपका प्रोडक्ट ग्लोबल हो रहा है। खिलौनों के निर्यात में लगभग 500% की वृद्धि देखी गई। और वोकल फॉर लोकल के इस नारे को चरितार्थ करती हुई नज़र आती हैं तमाम उपलब्धियाँ। आत्मनिर्भर भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो 447 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश, और अब तक का सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो जो है वो 2021-22 में भारत के पास आया। और ये FDI इनफ्लो दर्शाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ तमाम जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं वो मुफीद माहौल मानती हैं भारत में निवेश का, क्योंकि लाल फीता शाही नहीं है, साथ ही साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको यहाँ मिलता है। इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए। जन भागीदारी, वो कैसे जन आंदोलन में तब्दील हुई। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोज दिए गए। भारत में नहीं, हमने अन्य देशों को भी कोविड वैक्सीन बांटी। और G20 के सफलता का जब हम जिक्र करते हैं तो 140 करोड़ भारतीय एकजुट हुए। स्वच्छ भारत के लिए सभी एकजुट हुए। नागरिकों ने स्वेच्छा से LPG छोड़ी। और हर घर तिरंगा अभियान, ये कैसे जन भागीदारी से जन आंदोलन में तब्दील हुआ। आप देखिए कि 15 करोड़ से ज़्यादा की जनता ने तिरंगा सेल्फी अपलोड की और 23 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगा था वो अपने घरों पर फहराया। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के जब 23 वर्ष पूरे हैं उसके उपलक्ष्य में हम आपसे साझा कर रहे हैं। न्यूनतम, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहाँ पर जो राष्ट्रपति मालदीव के हैं मोहम्मद मुइजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं हैदराबाद हाउस, जहाँ से अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैंडशेक, कूटनीतिक लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट तस्वीर आज की। राष्ट्रपति मुइजू दूसरी बार आ रहे हैं भारत। पहली बार तब आए जब प्रधानमंत्री ने तीसरी बार कार्यकाल संभाला था प्रधानमंत्री के तौर पर, और अब ये उनका दूसरा दौरा है। बहुत अहम माना जा रहा है, ख़ास तौर पर जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। और भारत एक अहम साझेदार देश है मालदीव के लिए। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत के दौरे पर, कुछ देर पहले उनका औपचारिक स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में। और हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहम है ये दौरा
राष्ट्रपति मोइजू का, और 5 दिवसीय दौरे पर हैं। कुछ देर पहले मोहम्मद मोइजू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे। तो एक अहम दौरा भारत और मालदीव के संबंधों में नई ऊष्मता लाने का। जैसे कि मैंने बताया भी था कि कई ऐसे अहम क्षेत्र हैं, घटक हैं, जहां आवश्यक आपूर्ति के लिए जब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हम जिक्र करते हैं तो भारत अहम साझेदार है मालदीव का यहां पर। तो उस लिहाज से ये यात्रा जो 5 दिवसीय यात्रा है बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें भारत के चावल, मसाले, फल, सब्जियाँ, जो रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएँ वो ज़रूरत हैं मालदीव की, और कई अहम सेक्टर्स हैं जहाँ पर MOUs हैं उन पर सिग्नेचर होने की उम्मीद की जा रही है। अभी जब द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी उसके बाद जब ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट कुछ देर में रिलीज़ किया जाएगा तो वो अहम MOUs किन सेक्टर से मुतल्लिक हैं ये हम आपसे साझा करेंगे। बढ़ते हैं आगे, और हम जिस तरह से ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बता रहे थे कि 23 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के, जिसमें उनकी तमाम वो उपलब्धियां हैं जो परिलक्षित करती हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया। तो अब देखिए, न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन के इस नारे के साथ कैसे काम किया गया, नागरिकों के बैंक खाते में जो हस्तांतरण हुआ है वो हम आपको बताएं। DBT के ज़रिए लोगों के खातों में, यानी कि मिडिल मैन की भूमिका को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ये एक अहम उपलब्धि है सरकार की, जो कहीं ना कहीं लीकेज था उसमें कमी आई। PM प्रगति के तहत योजनाओं की प्रगति जो थी उसमें PM खुद उस पर सीधी निगरानी करते हैं, उसकी समीक्षा बैठक की जाती है और इसके तहत योजनाओं की प्रगति पर प्रधानमंत्री का सीधी निगाह होती है कि जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं आर्थिक विकास से जुड़ी हुई। विकास भी विरासत भी, सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला अपने घर में विराजमान हुए। 2014 के बाद 640 से अधिक कलाकृतियाँ जो थी वो देश में वापस आई, और अभी हाल ही में जब US गए प्रधानमंत्री वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वाराणसी में पुनर्निर्मित काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया गया, और किस तरह से जब उसका निर्माण किया गया वहाँ पर अब टूरिज़्म एक अलग ही लेवल पर देखा जा रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नया नारा दिया गया। कैसे जवान और किसान को अनुसंधान और विज्ञान से जोड़ा गया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन हुआ, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में अनुसंधान नामक एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन हुआ, यानी कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को गति मिली। 50,000 करोड़ का कुल निवेश इस लिहाज से भारत में आया, जो कि बेहद अहम है, अहम उपलब्धि। साथ ही रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र को भी चरितार्थ करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री, जहां पर GST एक देश एक टैक्स एक कर, डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में एक अलग ही रूप नज़र आता है भारत का। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल रूप से किस तरह से सशक्त हुआ आप देख सकते हैं, UPI इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति का प्रतीक भारतमाला प्रोजेक्ट, कैसे कनेक्टिविटी को इम्पॉर्टेंस दी गई, सागरमाला, तटीय विकास को बढ़ावा, ब्लू इकोनॉमी इसका सबसे बड़ा उदाहरण, प्रधानमंत्री गतिशक्ति, लॉजिस्टिक्स के समन्वय के साथ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जब हम जिक्र करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया गया, और इसी इकोसिस्टम से आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप्स के नंबर्स में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, यानी कि टूरिज़्म के से कैसे हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध राज्यों में शामिल गुजरात की विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंत त्योहारों को इस नारे के अंतर्गत उजागर किया गया। 2006 से 2007 में 1,00,000 से ज़्यादा, 2009 से 2010 में, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। जब हम पर्यटकों की बात कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस आप देखें कि टूरिज़्म में लगातार इजाफा होता हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया। जब हम बात करते हैं हाईवेज, आईवेज और रोडवेज के साथ, तो प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई, गुजरात को निवेश केंद्र में तब्दील किया गया, और ऐसे ही वाइब्रेंट कार्यक्रम जो है वो अलग अलग चलाए गए राज्यों में। सुजलाम सफलाम जल अभियान, गुजरात को जल संकट से उबारने के लिए ज्योति ग्राम योजना, ग्रामीण गुजरात में की बात करें तो 24/7 अब बिजली की सुविधा मुहैया कराई गई, खेल महाकुंभ, ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को
एक अहम मंच प्रदान किया गया। खेल महाकुंभ जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को मंच, खेलोगे तो खिलोगे, ये इसी मंत्र को चरितार्थ करता हुआ। तो प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, बिकॉज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो गरीब, किसान, युवा, महिला को समर्पित सरकार, और इन्हें चार अहम स्तंभ माना गया है भारत की विकास को लेकर। वहीं प्रो प्लैनेट लोगों के लिए लाइफ, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, यानी कि अगर आप माँ प्रकृति से कुछ देर ले रहे हैं तो आपका दायित्व है आप कुछ दे भी। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सिर्फ 5% का योगदान अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर में देखें, और सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे कम उपयोग करने वाला देश कौन है, वो है भारत। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि प्रो प्लैनेट कैसे लोगों के लिए, यानी कि पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो छोड़ के जाना है ना। तो फेम इंडिया यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेक्टर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश, यूनाइटेड नेशन द्वारा नमामि गंगे को विश्व के टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में जगह मिली है। उस लिहाज से अहम उपलब्धियां ये सरकार की। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसका सबसे अहम अगर हम देखें तो उदाहरण है तमिल संगमम और माधवपुर मेला। कैसे जब हम बात करते हैं संस्कृति को, भारत कैसे अलग अलग अपने राज्यों के साथ जोड़ता है और एक माला में पिरोता है। प्रसाद योजना तीर्थ यात्राओं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भारत की भावना को विकसित करते हुए। हृदय योजना भारत की विकास का, विरासत का विकास, और विरासत के विकास से आर्थिक प्रगति संभव। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को पहचान दिलाई, वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का आरोप लगाया। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने पहचान दिलाया है। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ये मोदी जी ने ही कराया है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे विदेशी सरजमी में देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं और प्रधानमंत्री पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। आज राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है, और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को सार्वजनिक जीवन के 23 साल पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 23 साल पूरे हुए। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित और जनसेवा को कैसे समर्पित कर सकता है, ये 23 वर्ष की साधना और उस अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। ये 23 वर्षीय यात्रा सामाजिक जीवन जीने वालों के लिए जीवंत प्रेरणा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मोदी जी की इस यात्रा का साक्षी रहा हूँ। मोदी जी ने दिखाया कि कैसे गरीब, कल्याण, विकास, देश की सुरक्षा और वैश्विक पहचान को मजबूती देने के कार्य समांतर किए जा सकते हैं। उन्होंने समस्याओं को टुकड़ों में देखने की जगह समग्र समाधान का विजन देश के सामने रखा। बिना रुके, बिना थके, बिना अपनी परवाह किए देश और देशवासियों के लिए समर्पित ऐसे राष्ट्र साधक मोदी जी को सेवा और समर्पण को 23 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय जीवन में सक्रियता और सार्वजनिक
पद को संभालने के 23 साल पूरे हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत माता की अथक सेवा और नागरिकों के प्रति निस्वार्थ समर्पण के 23 साल पूरे हो रहे हैं। 23 साल पहले आज ही के दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ समावेशी विकास ने एक नई परिभाषा हासिल की। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भारत के प्रधान सेवक के रूप में अपनी युगांतकारी यात्रा शुरू करने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जनता के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी की परिवर्तनकारी सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय सुधारों की नीतियों ने भारत की विकास कहानी लिखी है और प्रत्येक भारतीय को एक शानदार भविष्य की ओर भारत की यात्रा में एक हितधारक बनाया। योजनाओं, मिशनों, परियोजनाओं और विकास के कार्यक्रमों के साथ सरकार की नीतियों का लाभ अब सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। 2 दशकों से अधिक समय से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी छुट्टी लिए बिना अथक परिश्रम करते हुए राष्ट्रप्रथम की भावना को मूर्त रूप दिया। मां भारती और 140 करोड़ भारतीयों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व हर दृष्टि से परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण रहा। वैश्विक सहमति बनाने के प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण, वसुदेव कुटुंबकम और विश्व मित्र दृष्टिकोण ने भारत के भीतर और दुनिया में भारत के संबंधों, प्रभाव में एक मौलिक परिवर्तन लाया, क्योंकि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हैंड धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और झारखंड भाजपा इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के साथ बैठक करने वाले हैं। उससे पहले मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही विस्तृत संकल्प पत्र आने वाला है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने या सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% थी, आज घटकर 28% रह गई है। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा, लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है। और शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। राज्य में घुसपैठ ना हो इसके लिए हम झारखंड में NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार उनको घुसवा रही है, यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में NRC लागू करेंगे।
केंद्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जर्मनी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके दौरे का प्रमुख उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और सतत विकास, ग्रीन हाइड्रोजन और संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला घटकों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम के मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस सम्मेलन में ग्रीन शिपिंग और मोबिलिटी सेक्टर को कार्बन मुक्त करने में ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका पर भारत का पक्ष भी रखेंगे। ये यात्रा भारत जर्मनी संबंधों को बढ़ावा देगी। इससे व्यापार के अवसर सृजित होंगे और भारत तथा दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में तेजी आएगी। ये वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देते हुए सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों पर विशेष जोर दिया। भारत और जर्मनी के नेताओं के बीच अंतर सरकारी परामर्श इस महीने में भारत में होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई। सभी आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने की शर्त और 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होनी है। 25 अक्टूबर को आरोप तय करने पर जिरह से पहले चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटनी की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने बेटों के साथ पहुंचे। लालू प्रसाद यादव कोर्ट व्हीलचेयर पर पहुंचे थे। ईडी ने मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी को समन भेजा। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। मामले में तेज प्रताप यादव पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता में आज नहीं बैठने की वजह से सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए टल गई। आपको बताएं कि उमर खालिद सितंबर 2020 से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत सलाखों के पीछे हैं। उमर खालिद पर आरोप है कि इस साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश में वो शामिल थे। उमर खालिद पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। साल 2020 में इन दंगों में लगभग 50 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस मामले में अन्य सह आरोपियों शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा यूनाइटेड अगेंस्ट हैट के संस्थापक खालिद सैफ और अन्य की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। चेन्नई के मरीना बीच पर आयोजित वायुसेना के एयर शो के दौरान कल स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही पर भाजपा ने कड़ी आलोचना की। उचित प्रबंध न होने की वजह से 5 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हुई जबकि 200 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के मुख्यमंत्री स्टालिन और DMK सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि घटना का एकमात्र कारण DMK सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के प्रति लापरवाही है। के अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न कराने का आरोप भी लगाया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भीड़ या कुप्रबंधन के कारण मौतों का खंडन किया। चेन्नई एयर शो के दौरान हुए हादसे पर भाजपा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा। भाजपा प्रवक्ता श्वेता पूनावाला ने इसे मैन मेड स्टेट डिजास्टर करार दिया। एयर शो में जो 5 जाने गई, 200 से अधिक लोग घायल हुए, ये एक ट्रेजेडी ही नहीं, ये एक मैन मेड स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजास्टर है। बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लाखों लोग पहुंचे थे वहां पर। आपका काम था ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, पब्लिक सिस्टम होना चाहिए वहां पर, हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, हेल्थ की बाकी और एम्बुलेंस वगैरह होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, पर इसमें से कुछ नहीं किया गया क्योंकि DMK की सरकार की प्राथमिकता अपने बेटे को स्थापित करना है, अपनी डायनेस्टी को स्थापित करना है और उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा, बार बार ऐसा होता है। उनकी प्राथमिकता करप्शन है और इतनी असक्षमता, इतनी इनकॉम्पिटेंस और इतनी लैकडेसिकल अप्रोच, इसकी वजह से ही आज 5 जाने गई है। इसके लिए पूर्ण तरीके से स्टालिन साहब चीफ मिनिस्टर खुद जिम्मेदार है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल लद्दाख के थोइस में अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली का आयोजन किया गया।
थोइस एयरफोर्स स्टेशन समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफोर्स स्टेशन में से एक है। रैली का समापन 29 अक्टूबर 2024 को तवांग में होना है। रास्ते में वायु योद्धा 16 पड़ावों पर रुकेंगे, जहां विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ बातचीत भी होगी। देखिए रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी तरह के अनोखे सार्वजनिक आउटरीच कदम के तहत 8 अक्टूबर को वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर थॉइस एयरफोर्स स्टेशन से तवांग तक भव्य कार रैली का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत वायुसेना योद्धाओं का समर्थन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये रैली IAF द्वारा उत्तराखंड युद्ध स्मारक के सहयोग से आयोजित की गई है। IAF की एडवेंचर सेल इस रैली का नेतृत्व और समन्वय कर रही है। ये रैली अक्टूबर में शुरू होकर नवंबर में पूरी हो रही है। अक्टूबर के महीने में ही चीन ने हम पर हमला किया था, विश्वासघात किया था, और जिस जगह से हम लोग यहाँ आए हैं वहाँ पे हमने लड़ाई की थी, और इसी जगह से मेजर शैतान सिंह ने चीनियों का मटिया मेट कर दिया था, जिनको बाद में भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया। उनकी वीरता की गूंज यहाँ अभी भी मौजूद है। और उत्तराखंड से जसवंत सिंह रावत राइफलमैन ने चीनियों को मिट्टी में मिला दिया था, उनको बाद में महावीर चक्र मिला। तो मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा हम महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत की वीरता की गाथा नेफा जो पहले था अरुणाचल प्रदेश तक लेके जा रहे हैं, और देश के नौजवानों को ये बता रहे हैं कि जिंदगी का उद्देश्य अगर सशस्त्र सेनाओं में आकर पूरा करेंगे तभी जिंदगी अच्छी बनेगी। रैली में खास तौर पर उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज तवांग तक जाएंगे। विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट की कमान में वायुसेना और सेना के कई अधिकारी इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। रैली में 50 से अधिक वायु योद्धाओं में महिलाएं भी शामिल हैं। हो ही नहीं सकती, आपको एक ही जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है। लोगों को इंस्पायर करने का, एडवेंचर में जीने का, हर टेरेन में लाइफ को बिताने का, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे प्लेन्स हो। हमारा इंडिया का टेरेन इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ है यहाँ। बट आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यदि आप हैं तो आप हर तरह के टेरेन में जा सकते हो और अपनी लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लद्दाख से हम अरुणाचल प्रदेश तक के जाएंगे, और हमारा ये संदेश है सबके लिए कि वो बढ़ चढ़ के आए और राष्ट्र निर्माण के काम में सहयोग करें। जय हिंद। इस भव्य रैली में तय की जाने वाली यात्रा की कुल दूरी 7000 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रैली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी लेह में इस लॉन्च में एक दिलचस्प टैगलाइन हाँ हम लड़ाकू विमानों के लिए भी राजमार्ग बनाते हैं के साथ भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से रैली को रवाना किया था। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव, अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोचें, और यह भाव अधिक से अधिक फैलाना मैं समझता हूँ यह बहुत ही आवश्यक है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं, और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है और हुआ भी है। विजयी वायु योद्धाओं के सम्मान में एक हिंदी वायुसेना गान, जय हिंद वार्ता जो चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मौके पर मुईजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं उनके बीच ये अहम द्विपक्षीय वार्ता, उसकी तस्वीरें हम आपसे कुछ ही देर में साझा करेंगे। और हमने देखा था कि कैसे हैदराबाद हाउस में वो इम्पोर्टेंट हैंडशेक, जो पिक्चर ऑफ द डे आप देख सकते हैं, यहाँ डेलीगेशन लेवल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है दोनों के बीच। आप विदेश मंत्री जयशंकर को देख सकते हैं। यहाँ अगर हम मालदीव की बात करें तो वहाँ से भी उच्च प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मौजूद है, और प्रधानमंत्री के साथ भी आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद हैं। तो जैसे हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि ये जो 5 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति मोजू का मालदीव के राष्ट्रपति, उस लिहाज में कई अहम MOUs पर हस्ताक्षर होने के साथ साथ तकनीक की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की, हम बात करते हैं एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर बहुत अहम है मालदीव भारत के लिए।
हेल्थ केयर और शिक्षा का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स के विकास के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए मालदीव को भारत की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था और ट्रेड का भी जिक्र कर लेते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार करीबन अगर हम 2014 से 2023 तक का आंकड़ा ले तो 4 गुना बढ़ा है और टूरिज़्म के लिहाज से मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो कई मायनों में भारत पर निर्भर करती है। तो उस लिहाज से ये बहुत अहम दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव के जब हम बुनियादी ढांचे के विकास की बात करते हैं तो मालदीव में कई बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिनकी तैयारी में भारत की अहम भूमिका है और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि राजधानी माले को वो उसके जो तमाम द्वीप हैं क्योंकि द्वीपों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना एक चुनौती है जिसमें भारत मालदीव की मदद कर रहा है। तो राजधानी माले के जो तमाम इम्पॉर्टेंट द्वीप हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए $50 करोड़ की राशि भी दी जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त चल रही है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, मोहम्मद मुइजू जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। डिफेंस सेक्टर की अगर बात की जाए तो डिफेंस सिक्योरिटी सेक्टर में भी 1988 से भारत मालदीव का सहयोगी रहा है। 2016 में भी संबंध में अग्रीमेंट हुआ और मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ डिफेंस ट्रेनिंग का जो सामान है जो उपकरण है वो 70% भारत मुहैया करवाता है। यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस के पूरे क्षेत्र में अगर बात की जाए मालदीव्स की तो भारत अहम साझेदार है और कम से कम 1500 से ज़्यादा सैनिकों को बीते एक दशक में भारत ने प्रशिक्षित किया है। तो डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, साथ ही हेल्थ केयर और शिक्षा का हमने यहाँ जिक्र किया क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग के जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स में भारत की मदद से मालदीव्स में करीबन $53 लाख का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो वहाँ जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको कैसे गति मिलेगी, इस लिहाज से आप देख रहे हैं कि लगातार संबंधों में ऊष्मता आती हुई। टूरिज़्म का हमने जिक्र किया है और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जुलाई में भारत में एक रोड शो भी किया गया था जिसमें भारतीय सैलानियों से ज़्यादा मालदीव्स आने की अपील भी की गई क्योंकि मालदीव्स की जो पूरी प्रमुख अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर निर्भर करती है। तो उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम होने वाला है कि कैसे ये जो तमाम जिन क्षेत्रों का मैंने आपसे जिक्र किया यहाँ से कौन कौन से ऐसे MOUs हैं जो एक अगले चरण में जाएंगे और दोनों देशों की प्रगाढ़ रिश्तों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि आ रही है सीधा उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मत मजहब संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा, महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव हो, यानी सभी जो मत हैं मजहब हैं संप्रदाय हैं उन्हें एक दूसरे के मजहब का सम्मान करना है। जो तमाम महापुरुष हैं हर नागरिक के मन में उनके प्रति एक धन्यवाद एक कृतज्ञता का भाव शामिल होना चाहिए और आपको विरोध करने का पूरा हक है, संविधान आपको यह हक देता है, लेकिन अगर आप विरोध की आड़ में या विरोध के नाम पर अराजकता फैलाते हैं तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अपमानजनक टिप्पणियां अस्वीकार्य होगी, अराजकता को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तमाम महापुरुष जिन्होंने भारत में अहम योगदान दिया उनके खिलाफ भी कुछ सुना नहीं जाएगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अच्छा, तो विरोध के नाम पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अराजकता है वो बर्दाश्त नहीं होगी, आपको पूरा हक है कि आप अपनी बात दर्ज कराएं अपना विरोध दर्ज कराएं, लेकिन इसकी आड़ में अराजक होना संभव नहीं है, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी हाल ही में
योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को देखते हुए जो मुख्य सचिव हैं, DGP, अपर मुख्य सचिव, अन्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो आने वाले त्योहारी सीजन को देखकर उसकी समीक्षा बैठक ली। और इस बैठक के दौरान ही, यानी कि आज, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि भाई हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान हो, महापुरुषों के प्रति हर नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी पर जबरन अपनी बात थोप नहीं सकते, इसका भी जिक्र। और विकास सिंह हमारे साथ मौजूद है। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक कि आप अराजक नहीं हो सकते, विरोध दर्ज करने का हक आपको दिया जा रहा है लेकिन अराजक होने का नहीं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर किसी ने इसका दुस्साहस किया तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तमाम आला अधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक ली और इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े उनके जो इष्ट देव हैं अथवा साधु संत, इनके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार है, लेकिन इसके नाम पर अगर कोई अराजकता करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है वो कानून के दायरे में आएगा, उसके खिलाफ नियमतः कानून में पैरवी कराकर उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर कोई विरोध करता है, तोड़फोड़ करता है, घेराव करता है, कानून अपने हाथ में लेता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, चूंकि आने वाले त्योहारों का सीजन चल ही रहा है, उसके मद्देनजर उन्होंने भीड़ भाड़ इलाकों पर पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने की बात कही है। PRV 112 की पेट्रोलिंग और तेज की जाए, साथ ही साथ बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम और किए जा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तमाम सारे निर्देशों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाहर निकलकर सरकारी विकास साफ तौर पर कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी है मुख्यमंत्री साहब ने कि भाई अराजकता के नाम पर तोड़फोड़ आगजनी स्वीकार्य नहीं, कोई अगर दुस्साहस करता है तो उसकी कीमत कानूनी रूप पर जब कार्रवाई की जाएगी उस लिहाज से आपको चुकानी होगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पष्ट इस बात का निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेता है, ऐसी कोई हरकत करता है तो अराजकता बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी, दुस्साहस किया तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर एक बार अगर जब भी यहाँ पर ऐसे लोग करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे वसूली की भी कार्रवाई यहाँ पर की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समय जिस तरीके का माहौल बन रहा था, किसी जाति, धर्म, मजहब से जुड़े हुए इस देव के खिलाफ कोई भी जो है कह रहे हैं ऐसी टिप्पणी ना करे, इस बात का भी उन्होंने निर्देश दिया है। और इसके नाम पर अगर कोई अराजकता करता है उसको भी सख्त संदेश दिया है कि ऐसा कुछ ना करे अथवा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है और आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा जो आप करेंगे। और विकास, क्योंकि आने वाला दिन, जैसे दिनों में विजयदशमी का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये संपन्न करवाया जाए, इसलिए उन्होंने प्रत्येक जनपद थाने को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भाई महिलाओं की सुरक्षा और सभी विभाग इसके लिए मिलकर काम करें, फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग को भी तेज किया जाए। बिल्कुल, और सभी थानों को यह निर्देश दिया है, क्योंकि नवरात्र का सीजन चल रहा है, माँ दुर्गा की आराधना जगह जगह हो रही है, जगह जगह पांडाल लगाए गए हैं माँ दुर्गा के, तो तरह तरह के अनुष्ठान चल रहे हैं। ऐसे में जो प्रदेश में प्रत्येक थाना क्षेत्र है उसके प्रभारी को यह निर्देश दिया है कि वह अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम करें, पेट्रोलिंग करें, नजर बना के रखें, इसके लिए उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिया है। साथ ही साथ महिलाएं लोग परिवार के साथ निकलते हैं, बेटियां निकलती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि जो खुशी का माहौल होता है, पूजन अर्चन, धार्मिक माहौल जो चल रहा है वो खुशी खुशी संपन्न हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक कि भाई आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं लेकिन अराजक होने का कोई हक कानूनी तौर पर आपको नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इसराइलियों ने आज तड़के हमास के उस विनाशकारी हमले की पहली वर्षगांठ मनाई जिसने एक युद्ध को जन्म दिया, जिसने दुनिया भर में विरोध को जन्म दिया और मध्य पूर्व में कहीं अधिक व्यापक संघर्ष को भड़काने का जोखिम है।
यरूशलम और इसराइल के दक्षिण में समारोह और विरोध प्रदर्शन सुबह 6:29 पर शुरू हुए। ये वो समय था जब हमास की अगुवाई वाले आतंकवादियों ने पिछले 7 अक्टूबर को हमले की शुरुआत में इसराइल में रॉकेट दागे थे। इसराइली आंकड़ों के अनुसार हमास ने लगभग 1200 लोगों की हत्या की, लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर वो गाजा ले गए। सेना और पुलिस ने कहा कि आज पूरे देश में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। और इसराइल पर हमास हमले की बरसी के मौके पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी समुदाय को संबोधित किया और अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। साथ ही नेतन्याहू ने पिछले वर्ष हमले में मृतक के जो तमाम परिजन हैं उनके प्रति संवेदना भी जताई है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।